हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द की गई है। हालांकि आयोग पेपर लीक की संभावनाओं से अभी इनकार कर रहा है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को पेपर लीक की आशंका में गिरफ्तार भी किया है, इसलिए इसे पेपर रद्द किए जाने का कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये परीक्षा पिछले दिनों 9 और 10 जनवरी को सुबह और शाम की पाली में हुई थी। परीक्षा रद्द होने की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने पुष्टि की है। परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग ने अभी नहीं की है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही परीक्षा की तारीख की घोषणा हो जाएगी। जो आवेदक इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे, वही आवेदक परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि आयोग पेपर लीक की संभावनाओं से अभी इनकार कर रहा है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को पेपर लीक होने की आशंका में गिरफ्तार किया है, इसलिए इसे पेपर रद्द किए जाने का कारण भी बताया जा रहा है। यहां यह भी बता दें कि इससे पहले ग्राम सचिव की परीक्षा में नकल और पेपर लीक कराने के मामले में पानीपत के SP शशांक कुमार सावन ने ASP पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। रिमांड के दौरान SIT को गिरफ्तार रोहतक निवासी अंकित कुमार से एक पहचान पत्र मिला था, जिसमें उसे चेकिंग विंग का प्रभारी बताया गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि चेकिंग इंचार्ज होने की वजह से गिरोह के अन्य सदस्य आसानी से पैराडाइज स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए होंगे। हरियाणा में ग्राम सचिव परीक्षा के पेपर लीक मामले के तार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संकेत मिले हैं कि जो डिवाइस मिले हैं वे दिल्ली से ही ऑपरेट किए जा रहे थे। इस पूरे प्रकरण में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पानीपत पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई हैं। बताते चले कि हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा पिछले दिनों 9 और 10 जनवरी की सुबह और शाम की पाली में हुई थी। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग ने परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन जल्द ही परीक्षा की तारीख की घोषणा हो जाएगी। बताते चले कि हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अभी कारण स्पष्ट नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द की गई है। हालांकि आयोग पेपर लीक की संभावनाओं से अभी इनकार कर रहा है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को पेपर लीक की आशंका में गिरफ्तार भी किया है, जिसके चलते ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हुई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.